अनवाई 27 तारीख कर चलो चलो गिलगित चलो तहरीक आगाज थी ऐलान थी बलिस्तान रजू गए हमजा नगर रजू गए गिजर दे आम रजू जा गिलगित ड्रेसबुक के हम रेवेन्यू एक्ट रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2022 गंदम कोटे में कटौती बिजली की लोड शेडिंग बिलों में बेतहाशा इजाफा के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने आप सबको दावत दिया है 27 तारीख को किसी ने अपने घर में नहीं रहना है उठ के गिलगित का रुख करना है। हो सकता है हम असेंबली का घेराव करें हो सकता है हम गवर्नर हाउस का घेराव करें हो सकता है हम सेक्रेटरिएट का घेराव करें हमारे ये मसाइल जब तक हल नहीं होंगे रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2022 जब तक वापस नहीं होगा गंदम की कटौती को वापस रिकवर जब तक नहीं की जाएगी 20 किलो थैला कटौती मिशा 40 जो 20 एक वो 62 कटौती ना ना 40 जो 20 एक वो 300 वेट ले जो कवाजे ना और 350 वेट ले जन कीमत इजाफा ना भैया क्वांटिटी का आधा बेने आधा कीमत 50 रुपए बड़ा का बेने तो ऐसे चेक कराने ये किस लेवल के लोगों को तुम लोगों ने असेंबलियों में भेजा है यार जिसको इतना तमीज नहीं है इतना फर्क नहीं है इतना पता नहीं है एज जज पर असेंबली और शनि भाई हनस तो ऐसे इंजाम तो अनु की भाई ना खुद फुट पात रुपए हूं तो जा किसी एक की बात नहीं है तमाम सूबाई वज़रा की बात कर रहे हैं किसी जमात पे तंकीद नहीं है हमारा कोई ये न समझे जमात पे नहीं जो भी इस असेंबली में आज तक आए हैं कठपुतली ही आते रहे हैं अवाम की नुमाइंदगी किसी ने नहीं की है अपने वफाक के अपने आकाओं की नंबरदारी और उनकी सहूलतकारी करते रहे गिलगित बल्तिस्तान का मसला किसी ने हल नहीं किया है आज तक।